गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा की थी। उसके वीडियो में आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताया था। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती है इनफिनिटी तक, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल शामिल है। दूसरी बताई थी आपको होल नंबर सेकंड, उसमें आपको बताया था कि होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 और उसमें भी डेसिमल और फ्रैक्शन शामिल नहीं होते हैं और ये भी इनफिनिटी तक होती है। थर्ड जो है वो आपको इंटीजर बताया था, वो 0, 1, 2, 3, 4 प्लस इनफिनिटी तक, इधर -1, -2, -3, -infinity तक। फोर्थ आपको रेशनल नंबर बताई थी, जिसको आप पी अपॉन टू की फॉर्म में, जिन नंबरों को आप पी अपॉन टू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो वो रेशनल नंबर होते हैं, और जिनको आप पी अपॉन टू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इररेशनल नंबर हो जाएंगे। तो उनके बारे में मैंने आपको बेसिक बताया था, नंबर सिस्टम के बारे में डेफिनेशन बताई थी। आज अपन सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। इसके क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक मैं इसके बारे में आपको बता चुका था पहले। उसी बेसिक के आधार पर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन फर्स्ट इज 0 ए रेशनल नंबर कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, क्या इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू क्या होते हैं इंटीजर और नीचे वाला जो क्यू है वो जीरो के इक्वल है, जीरो। तो ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जीरो एक रेशनल नंबर होती है। तो इसका सॉल्यूशन आप कैसे लिखेंगे, अपनी लाइब्रेरी में आप लिख सकते हैं इसको, जीरो इज ए रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट जीरो एज, जीरो को अपन ऐसे लिखते हैं 0.1, 0.2, 0.15, 0.20 विच इज इन द फॉर्म पी अपॉन टू की फॉर्म में। जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर जीरो रहेगा, जीरो को वन से डिवाइड करो दूसरे का तो किसी से डिवाइड करो तो जीरो रहेगा। तो आप जीरो को इस फॉर्म लिख सकते हैं, जीरो को आप 0.1 लिख दो, 0.2 लिख दो, 0.50 लिख दो, 0.12 लिख दो, 0.100 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये पी अपॉन टू की फॉर्म में हो गई, पी अपॉन टू की फॉर्म में आप लिख सकते हैं, लिख दिए इसको, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं है, ऊपर वाला पी तो जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं है, और पी अपॉन टू की फॉर्म में भी आप इसको लिख दीजिए जीरो को। सो इसलिए जीरो इज ए रेशनल नंबर, जीरो जो है वो रेशनल नंबर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था, और
इसको आप किस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में इसको इसका आंसर लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन
अभी आपने आगे से मल्टीप्लाई किया 8 से, 7 से भी कर सकते हो तो वो दूसरी डेसिमल नंबर आएगी 6, 9 से भी कर सकते हो फिर वो और दूसरी 6 डेसिमल नंबर आएगी, 10 से कर सकते हो, 20 से कर सकते हो, मतलब 6 से बड़ी कोई भी नंबर से आप 20 से मल्टीप्लाई करो और 6 डेसिमल नंबर आएगा। अगर 8 में किया तो 8 में 6 डेसिमल नंबर आएगी, अगर 9 से करते तो और 6 आती, दूसरी 6 डेसिमल नंबर आती, तो इनफिनिटी डेसिमल नंबर दो के बीच में होती है। तो ये आपको मैं समझता हूँ लाल समझ में आ गया होगा। थर्ड रीजन है बिटवीन 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी रेशनल नंबर निकालनी है 5। 5 रेशनल मतलब 5 रेशनल मतलब 5 निकालने किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से ज्यादा, कोई भी ज्यादा नंबर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि ये सॉल्यूशन में अभी जैसे क्या है वैसे ही वी मल्टीप्लाई बिटवीन 3/5 एंड 4/5 वी मल्टीप्लाई 3/5 एंड 4/5, 3/5 और 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे बाई से मल्टीप्लाई करेंगे एनी नंबर ग्रेटर देन फाइव, 5 से बड़ी, 5 से बड़ी कोई भी डेसिमल नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/5, 5 से बड़ी कोई भी नंबर लेते 6 ले लो, 6 से ऊपर भी करना है नीचे मल्टीप्लाई करना है, और 4/5 है इसको भी 6 से ऊपर और 6 से नीचे, कितना हो गया 6 का 18/30 तो ये हो जाएगा 24/5, इसके बीच में कितनी रेशनल नंबर आएगी 5। तो यानी कि 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5, 3/5 एंड 4/5। देखो 18/20 में कितना आएगा 19/30, 20/20, 21/30, 22/30 और 23/30, इस तरीके से 5 रेशनल नंबर दोनों के बीच की। अब अगर जैसे मान लो आपने यहां 6 से मल्टीप्लाई किया, जितनी पूछे रेशनल नंबर उससे ज्यादा उससे बड़ी नंबर से करना है, 6 से करो चाहे 7 से चाहे 8 से, अगर आप 6 से 7 से करते तो दूसरी 5 रेशनल नंबर आती है, 8 से करते हैं तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ क्वेश्चन है इसका 5.1.1 में फोर्थ क्वेश्चन है और ट्रू फॉल्स का है। आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें आपको बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। अगर सही है तो उसका रीजन भी बताना है, गलत है तो भी उसका रीजन आपको बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है का फर्स्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट
आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स बताना है आपको। गिव रीजन फॉर योर आंसर और योर आंसर, आपको आपके आंसर का रीजन भी बताना है। फर्स्ट है इसमें एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर भी होती है क्या? तो देखो उस दिन मैंने बताया था आपको कि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती है और होल नंबर कहां से स्टार्ट होती है? जीरो। तो नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट, वन टू थ्री फोर, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है। तो नेचुरल नंबर होल नंबर होती है, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होती है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होती है, वन टू थ्री फोर इस तरीके से, और होल नंबर जीरो वन टू थ्री फोर। नेचुरल नंबर होल नंबर में भी आ रहे, तो इसलिए प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होती है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होती। तो नेचुरल नंबर रीजन बताएंगे, यानी दिस स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी सच दैट, इस प्रकार से वन टू थ्री फोर इन्फिनिटी एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी सच दैट जीरो वन टू थ्री फोर। नेचुरल नंबर वन टू थ्री फोर इन्फिनिटी और ये जीरो वन टू थ्री फोर इन्फिनिटी। तो सो ईच नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है। ये वन टू थ्री फोर इसमें भी आ रहा है, होल नंबर में भी, बट ईच होल नंबर, ईच होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, प्रत्येक होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं। नेचुरल हर नेचुरल नंबर तो होल नंबर होती है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था जो सही था। सेकंड स्टेटमेंट है इंटीजर। देखो कहां से होल नंबर जीरो वन टू थ्री फोर,
ये स्टार्ट होगी। इंटीजर कहां से होते हैं? 0, 1, 2, 3 बोले, पॉजिटिव तो आ गए लेकिन निगेटिव भी होते हैं, -1, -2, -3 ये इसमें नहीं आ रहे, तो ऊपर से इंटीजर जो है वो नंबर नहीं होता। ये मैं लगभग उस दिन आपको क्लियर कर चुका था इस एक्सरसाइज के बारे में, ये आपको ऐसे जरूरत नहीं पड़ानी, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते थे। इसमें लिखेंगे दिस स्टेटमेंट, इज फॉल्स बिकॉज होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 to infinity and integer content negative number also, और इंटीजर में निगेटिव नंबर भी होते हैं, तो होल नंबर में नहीं होते। सो एवरी इंटीजर इज ए नॉन ए होल नंबर, प्रत्येक इंटीजर का होल नंबर क्यों? क्योंकि होल नंबर तो है 0, 1, 2, 3 प्लस इनफिनिटी तक होती है, लेकिन ये 0, 1, 2, 3 इंटीजर भी होते हैं, लेकिन इंटीजर में निगेटिव नंबर भी आते हैं, -1, -2, -3 वो होल नंबर में नहीं आते। इस कारण से प्रत्येक जो इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं। इसका लास्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कराई जाएगी। प्रत्येक जो रेशो नंबर है वो होल नंबर होती है। तो देखिए इसमें क्या है, रेशो नंबर को अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जिस नंबर को लिख सकते हैं, जैसे 2/5 ये भी रेशो नंबर है, 1/3 जो भी है फ्रैक्शन वो रेशो नंबर होती है। लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन शामिल नहीं होते, जबकि रेशनल नंबर फ्रैक्शन भी आती है। तो इसका मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर है वो होल नंबर है। सॉरी सर, इसका रीजन कहिए, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज रेशनल नंबर these numbers
नंबर does not contain whole number में क्या नहीं होते क्या does not include लिख दो include इमेज में whole number क्या नहीं शामिल होते fraction and decimal fraction और decimal शामिल है ठीक है इसमें decimal number fraction है so प्रत्येक रेशनल नंबर जो है होल नंबर नहीं तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 चीजों कंप्लीट आपको करवा दी गई है इसमें आपको बेसिक चीजें बताई गई नंबर सिस्टम के बारे में तो एक बार फिर से अपन थोड़ा रिवाइज करें तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होती है 1 से 1 2 3 4 5 प्लस निपटती इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन शामिल नहीं होते सेकेंड है होल नंबर होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 प्लस निपटती इसमें भी डेसिमल और फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं होते नेचुरल नंबर और होल नंबर केवल जीरो का डिफरेंस है होल नंबर जीरो से स्टार्ट होती है नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट नहीं होती 1 से होती है तो प्रत्येक नेचुरल नंबर एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होती है बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नॉट ए नेचुरल नंबर प्रत्येक जो होल नंबर होगा नंबर थर्ड आपको इंटीजर बताया था इंटीजर 0 1 2 3 प्लस इंटीजर होता है और इधर -1 -2 -3 -3 तक होता है इंटीजर में भी डेसिमल और फ्रैक्शन इंक्लूड फिर आपको जो नेचुरल नंबर के बारे में बताया था जिसको अपन p अपॉन 2 की फॉर्म में चेंज करके लिख सकते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं वो रेशनल नंबर होती है जिसमें p और q इंटीजर होते हैं और नीचे जो q होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए मतलब p अपॉन 2 में q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए p की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और उस दिन मैंने आपको बताया था कि कैसे अपन किसी भी नंबर को p अपॉन 2 की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं सकते आज आपको चार क्वेश्चन बताए हैं जीरो के बारे में बताया है जीरो रेशनल नंबर होती है क्योंकि अपन जीरो को 0.1 0.2 0.3 ऐसे p अपॉन 2 की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और आपको रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर होती है दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत जिसको आप बोलते हो अनगिनत बहुत सारी इन्फिनिटी रेशनल नंबर होती है दो मेथड होते हैं इसके एक मीन मेथड जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो मीन मेथड में जो दो रेशनल नंबर दी हुई है आपको पहले उनको ऐड करते हैं टू से डिवाइड करते हैं थर्ड रेशनल नंबर आ जाएगी फिर तीनों में से कोई भी दो रेशनल नंबर लो उन दोनों को ऐड करो टू से डिवाइड करो फोर्थ रेशनल नंबर आ जाएगी फिर चारों भी फोर्थ रेशनल नंबर हो गई फोर में फिर वापस कोई दो ले लो उन दोनों को ऐड कर दो टू से डिवाइड कर दो फिफ्थ आ जाएगी फिर पांच हो गई फिर उनमें से कोई दो ले लो उनको प्लस दोनों को ऐड कर दो टू से डिवाइड करो ऐसे इनफिनिटी आती रहेंगी केवल रिपीट नहीं करनी है जिन दो रेशनल नंबर को आपने एक बार ले लिया वापस उन दोनों को एक साथ नहीं फिर आप अलग अलग दो दो रेशनल नंबर लिखाओ उनको ऐड करो उसे भी ऐड करो ये मेन मेथड होता है दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है आज इसमें क्या करते हैं जितने भी रेशनल नंबर पूछे हैं 5 पूछी है 4 पूछी है 6 7 इतनी पूछी है उसमें आपको जैसे मान लो आपको 5 रेशनल नंबर पूछी है दोनों बीच में तो 5 जितनी पूछी है उससे कोई भी नंबर ले लो ज्यादा उससे बड़ी होनी चाहिए वो नंबर जैसे 6 7 8 9 उसको तो आपको दो रेशनल नंबर दिए उनको आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों के बीच में जो भी आपको बताया था ऐसे इस तरीके से आप उसमें इनफिनिटी रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं और जिन नंबरों को आप पी अपॉन 2 की फॉर्म में नहीं चेंज कर सकते पी अपॉन 2 की फॉर्म मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको बोलते हैं इररेशनल नंबर तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 अगले वीडियो बताएंगे आपको